Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn E-letter pronunciation. आज के इस वीडियो में हम E-letter का आवाज देखेंगे कि किस कंडीशन में E-letter का क्या आवाज होता है. फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि लेटर ए का आवाज ए अ ई ई अ होता है. अब इनमें से किस लेटर का आवाज कब क्या होगा आज के इस वीडियो में सीखेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला रूल है, जब ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई हो तो ई का उच्चारण ई होता है. मतलब अगर आपको कोई एक ऐसा वर्ड मिले जहां ई आया हो और उसके बाद एक लेटर छोड़कर फिर ई आया हो, तो इस कंडीशन में जो हमारा पहला ई होता है उसका आवाज ई होता है. जैसे आप देख सकते हैं यहां ई आया हुआ है, उसके बाद एक लेटर छोड़कर फिर ई आया है, तो हम इसको कहेंगे सीड. यहां भी आप देख सकते ई के बाद एक लेटर छोड़कर फिर ई आया है, इसलिए इसका आवाज होगा कॉन्सीड. यहां आप देख सकते हैं ई के बाद एक लेटर छोड़कर फिर ई आया है, इसलिए हम इसका उच्चारण करेंगे ई. हम कहेंगे कंप्लीट, इंटरसीड, कानवीन और जीन. आप देख सकते हैं ई के बाद एक लेटर छोड़कर फिर ई आया हुआ है. तो फ्रेंड्स, जब कहीं ई लिखा हो और ई के बाद एक लेटर छोड़कर फिर ई आया हो, तो इस कंडीशन में ई का आवाज ई होता है. उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे. आइए अगला रूल देखते हैं. फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीखा कि जब ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई हो तो ई का उच्चारण ई होता है. लेकिन फ्रेंड्स, जो लेटर आप छोड़ रहे हैं अगर वो लेटर आर हो तो ई का आवाज ई अ होता है. मतलब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी वर्ड में ई आर ई आया हो तो पहला ई का आवाज ई अ होता है. जैसा कि आप यहां एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर आया है ई, उसके बाद आया है आर, फिर आया है ई. तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई एक ऐसा वर्ड मिले जहां ई आर ई आया हो, तो जो पहला ई होता है उसका आवाज ई अ होता है. यानी ये लिखा है मी अर, ये जो ई है ये मात्रा बन गया है और यहां पर अ आप देख सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे मी अर. यहां गौर करिए ई आर ई, तो यहां पर ई का आवाज होगा ई अ. हम इसे कहेंगे कोहियर. आप यहां देख सकते हैं बाद में आया है ई आर ई, तो इसका साउंड होगा स्फीयर. आप यहां देख सकते हैं आया है ई आर ई, तो हम इसका साउंड देंगे एटमॉस्फीयर, यानी छोटी का मात्रा और अ. तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा रूल था कि अगर किसी वर्ड में ई आर ई हो तो जो पहला ई होता है उसका आवाज ई अ होता है. हो सकता है फ्रेंड्स आप सोचें कि दूसरा ई का आवाज क्या होगा, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि जब किसी लेटर के लास्ट में ई आता है तो ई साइलेंट होता है, यानी वहां ई का कोई आवाज नहीं होता. आगे इस बात को मैं डिटेल से बताऊंगा. फिलहाल यहां मैं आपको बता दूं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई है तो ई का कोई साउंड नहीं होता, क्योंकि ई साइलेंट होता है. हम इसे कहते हैं कम. उसी तरीके से बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जहां लास्ट में ई आता है और ई साइलेंट होता है. आइए फ्रेंड्स तीसरा रूल देखते हैं. जब दो व्यंजन यानी जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई का आवाज ए होता है. जैसे आप यहां देख सकते हैं यह एक कॉन्सोनेंट है और ये भी एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन दोनों के बीच में आया है ई. जैसा कि आप यहां भी देख सकते हैं एल एक कॉन्सोनेंट है, डी भी एक कॉन्सोनेंट है, बट दोनों के बीच में आया है ई. आप यहां भी देख सकते हैं बी एक कॉन्सोनेंट है और जी एक कॉन्सोनेंट है, बट दोनों के बीच में आया है ई. तो फ्रेंड्स, जब कंडीशन ऐसा हो कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में
ई आए तो ई का आवाज ए होता है, जैसे बेड, रेड, वेड, लेड, फ्लैड, मैंड, बैग, लेग, पेग, बेल, येल, सेल, फेल, हेल, सैंड, बैंड, लैंड, वेल, बैट, वेंट, लेट, सेट, नेट। तो फ्रेंड्स, आपने यहां देखा कि यहां ई का आवाज ए है, क्यों? क्योंकि यहां पर ई दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है। फ्रेंड्स, जब ई आर के पहले एक कॉन्सोनेंट हो और ई आर के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, तो इस कंडीशन में ई का आवाज अ होता है। यानी जब किसी कॉन्सोनेंट के बाद ई आर आया हो और उस ई आर के बाद फिर कॉन्सोनेंट आया हो, तो इस कंडीशन में ई का आवाज अ होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ई आर आया हुआ है और ई आर के पहले और ई आर के बाद एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है, तो यहाँ ई का आवाज अ होगा। इसे हम कहेंगे जक। यहाँ मैं आपको एक और खास बात बताऊं फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंग्लिश में जब लेटर आर किसी वर्ड के लास्ट में आता है या फिर लेटर आर किसी कॉन्सोनेंट के पहले आता है, तो इन दोनों कंडीशन में लेटर आर का आवाज नहीं होता। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, आर एक कॉन्सोनेंट के पहले आया हुआ है तो रिटन में र लिखा जाता है, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंस करते हैं तो आर लेटर का प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे इसको हम कहेंगे जक, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं। इसे हम कहेंगे वर्ब, मतलब आप इस आर को हटाकर बोले वर्ब। इसे हम कहेंगे हर्ड, इसे हम कहेंगे शर्ट। तो यहां पर आपने दो बात सीखा, पहला कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आर आए तो ई का आवाज अ होगा, और दूसरा अगर लेटर आर किसी वर्ड के लास्ट में हो तो लेटर आर का कोई आवाज नहीं होता, या लेटर आर किसी कॉन्सोनेंट के पहले आया हो तो भी लेटर आर का कोई आवाज नहीं होता। ऐसा सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, अमेरिकन इंग्लिश में लेटर आर का आवाज हमेशा होता है। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जहां आप ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में फर्क देखेंगे। फ्रेंड्स, एक से ज्यादा खंड वाले शब्दों के अंत में ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर हो तो ई का आवाज अ होता है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई एन, ई एल, ई आर, ई एन टी हो तो यह आए ई का आवाज अ होता है। जैसे इसे हम कहते हैं टोकन, इसे हम कहेंगे बैरल, इसे कहेंगे स्कीपर, इसे कहेंगे स्टॉपर, इसे कहेंगे रॉटन, ये है करंट, इसे कहते हैं टिम्बर, ये है गीवा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात याद रहेगा कि एक से ज्यादा खंड वाले शब्द के अंत में अगर ई एल, ई एन, ई एन टी या ई आर आए तो उसका आवाज अ होगा। आइए फ्रेंड्स, अब लास्ट रूल देखें। फ्रेंड्स, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आया है तो ई साइलेंट होता है, यानी ई का आवाज नहीं होता। हम इसे कहते हैं डांस, हम इसे कहते हैं कम, इसे हम कहते हैं फाइल, यहां पर ई साइलेंट है, इसे हम कहते हैं टेक, इसे हम कहते हैं एजुकेट, इसे हम कहते हैं टाइम। तो फ्रेंड्स, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई साइलेंट होता है, लेकिन इस रूल के एक्सेप्शन हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ई आता है और ई साइलेंट नहीं होता, तो फिर आपको वह एक्सेप्शन जान लेना चाहिए ताकि लर्निंग में कोई कमी न रहे। फ्रेंड्स, यहां मैंने तीन वर्ड्स लिखा हुआ है और ये एक्सेप्शन या अपवाद होते हैं। यहां लास्ट में ई आता है और ई का आवाज होता है, जैसे ये है फिनाली, ये है रेसिपी और ये है सिमली। तो ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में ई आता है और ई का आवाज होता है, इसे हम एक्सेप्शन या अपवाद कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको मेरा टीचिंग समझ में आया और आपने इस कंसेप्ट को समझा,
तो प्लीज मेरे तीन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताएं इन तीनों वर्ड्स का क्या आवाज है। आंसर जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसे अभी शेयर करेंगे। प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।